हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं BBM की यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4, ठीक है, BSc 2 इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि आज के दिन में पेपर हुआ था। टोटल 50 क्वेश्चन है, 500 का हम बताएंगे आंसर। समय 2 घंटा मिला था, फुल मार्क्स 50 का था, ठीक है। आज फर्स्ट सीटिंग का ये पेपर हुआ था, ठीक है। देखिए, हम सीधा सीधे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, और आपका कितना सही हो रहा है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या 20 तक सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट आगे जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बेनिफिट है, और जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए भी बेनिफिट है, ठीक है। तो हम सीधा सीधे आंसर की बात करेंगे। तो पहला का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पहला का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। तो बस आप लोग देखते जाइए, जो पेपर दे दिए बस वो देखिए, और जो पेपर नहीं दिए हैं वो भी देखिए, ठीक है। दूसरा का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दूसरा का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा की चलते हैं। तो तीसरा का आपका हो जाएगा डी, ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया आपका, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे पेपर देखते जाइए, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे PDF वगैरह मिलते रहता है। क्वेश्चन नंबर फाइव का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। पांचवा का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 6 का क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करने में कि कौन सा होगा बहुत ही टाइम लगता है, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें से 50 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो हमसे मिस्टेक से दूसरा ऑप्शन हो सकता है हम बोल दें, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। 7 का डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 8 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, ठीक है। 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 13 का बी। उसके बाद नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 16 का ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि सी ओ। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट चलते हैं 19 की ओर। तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 20 का सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 में आपका बताया गया है, ठीक है, कि हमें पानी का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसका 21 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 का आपका ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अगर वीडियो जल्दी जल्दी जा रहा है, आगे बढ़ रहा है जल्दी जल्दी, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 24 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों डी, ठीक है। लगभग अगर इनमें से सभी रहता है ना, तो वही लगभग आंसर है, बट सब में नहीं। उसके बाद 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। तो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 आपका कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। 27 का आपका क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। 27 का क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 5.6। 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है, 7 सी। उसके बाद 30 का जो क्वेश्चन नंबर आपका है, ठीक है, वो 30 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 31 की ओर। तो 31 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, सी एफ सी। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है, स्किन कैंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 34, 34 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका समय ज़्यादा खपत ना हो इसके लिए हम बिना पढ़े हुए डायरेक्टली हम बता रहे, चाहते तो वीडियो को हम 20 से 25 मिनट भी लेट कर सकते थे, ठीक है, बट हम डायरेक्टली बिल्कुल आपका समय नहीं लेंगे। ठीक है, 35 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका सी। 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, यानी कि खड़ा, स्टैंडिंग। नेक्स्ट आपका 37 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 38, 38 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक। 39, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 39 की ओर, तो 39 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, तो 14 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 41 का जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा आपका बी। ठीक है, एंड 42 की ओर चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आगे भी जो भी स्टूडेंट का पेपर नहीं हुआ है, ठीक है, जो आगे 28 तारीख को पेपर देंगे उन सभी की भी पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। 42 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है दोस्तों, खाल श्रृंखला। नेक्स्ट आपका 43 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 44 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, 44 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, कॉल्ड। नेक्स्ट चलते हैं 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 46 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, ठीक है, तो 47 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा डी। ठीक है, 47 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 48 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 48 का आपका हो जाएगा डी। 48 का क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद नेक्स्ट 49 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, 49 का सी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 50 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि 0। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। अब जिनका सेकंड सीटिंग में पेपर हुआ है उनका भी आंसर की बहुत ही जल्द लाएंगे दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।